जब मैं भुज गया लगान की रेकी के लिए, तब मैंने ढोलावीरा की एक्सकवेशन साइट देखी और पहली बार आई वॉक थ्रू द एंटायर एक्सकवेशन एंड फर्स्ट टाइम आई गॉट द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट दिस सिविलाइजेशन प्रॉबली कुड हैव बीन। और ऐसे कितने सारे शहर हैं जो एक्सकवेशन जहाँ पे चल रही हैं। तो मुझे लगा कि यू नो, हम हमेशा फिल्में देखते हैं ग्रीक संस्कृति की या इजिप्शियन सभ्यता की, और हमें बहुत अच्छा लगता है, पूरी दुनिया देखती है और कहती है कि यू नो व्हाट सिविलाइजेशन दिस वर, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन पर कभी फिल्म नहीं बनी है। तो मुझे लगा क्यों ना इस पे अगर कुछ अगर कहानी मैं बना सकूं और फिल्म बना सकूं, कभी ना कभी मैं बनाऊंगा, ऐसे मैंने सोचा था। और फिर काफ़ी साल बाद जब मौका आया तो मैंने सोचा कि अभी सिंस ये प्री हिस्ट्री कहलाता है और उसके ऊपर कोई किताबें नहीं है, तो आर्कियोलॉजी ही एक रास्ता है। तब फिर मैंने आर्कियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया और उनसे सब इन्फॉर्मेशन ली, क्या क्या उनकी स्टडीज़ थी, और उसकी बेस पे स्टोरी बनाई। हाँ, मुझे लगता है जब एक बार मैंने शुरू किया तो इट टुक अबाउट 1 ईयर ऑफ रिसर्च, 1 ईयर ऑफ स्टोरी राइटिंग, क्रिएशन ऑफ स्क्रिप्ट, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो उन सील्स में से ही लेनी है, या जो मिट्टी की गुड़ियाँ मिली हैं, या जो अर्बन प्लानिंग के पूरे जो उनके एक एक सिस्टम आर्किटेक्चर कर रहा है उसी में से सब इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो आप कैसे बनाए फिर? तो दृश्य जो हैं, सील्स जो हैं, सील्स, एक सील पे दृश्य, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि दो मर्द लड़ रहे हैं और उनके बीच एक लड़की खड़ी है, तो ऐसा लगता है जैसे मानो दोनों उस लड़की के लिए लड़ रहे हैं। तो वो उस सीन पे जो वो दृश्य को मैंने फिल्म में एक सीन बना लिया। एक आदमी जो ड्रम बजा रहा है, तो सरमन का कैरेक्टर मैंने ड्रमर बना दिया। ऐसे इस किस्म से पिरोते गए कहानी को फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑल द मटीरियल। मोहनजोदारो के केस में जो आर्कियोलॉजिस्ट को मैंने इनवाइट किया था, 6 आर्कियोलॉजिस्ट से, एक यूएस से था और बाकी 5 यहाँ के थे, तो उन सब से जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखी और उनसे अप्रूवल्स लिए उस पर, बिकॉज इन्होंने जब इतनी ज़िंदगी दी है एक्सकर्शन साइट्स पे तो उनका एक व्यू पॉइंट मुझे लाना था फिल्म में। तो स्क्रिप्ट जब उन्होंने पढ़ी तो उनके उन्होंने रिएक्शंस दिए कि ये इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए या उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं या ऐसा हम कह सकते हैं, वो सब चेंजेस किए, उसके बेसिस पे फिर स्क्रिप्ट रेडी की। मुझे जितनी चैलेंजिंग स्टोरी होगी उतना उसे बनाने में मज़ा आता है, जितनी अनटोल्ड स्टोरी होगी वो मुझे कहने में मज़ा आता है। जब मैं अनटोल्ड कह रहा हूँ यानी अनकही कहानी जो होती है, कि हमें जैसे ब्रिटिश राज हम जानते हैं, हम राजा महाराजा की लाइफस्टाइल जानते हैं, हम कास्ट सिस्टम जानते हैं, हम रूरल इंडिया का एक गांव का जो एक एक वातावरण होता है वो हम जानते हैं, लेकिन भुवन की कहानी हम नहीं जानते हैं। तो भुवन की कहानी, लगान की, क्रिकेट की, वो सब इस एनवायरनमेंट में आके जब बैठती है तो वो फैक्ट और फिक्शन का एक मिश्रण हो जाता है। जैसे जोधा और अकबर के भी उनके कमरे में, उनके उनके चेंबर में, उनके बीच क्या हुआ, रोमांस क्या था, ये हम नहीं जानते। सो इट गिव्स मी जॉय टू क्रिएट द वर्ल्ड बट एट द सेम टाइम ऑल्सो टेल अ अनटोल्ड स्टोरी। सो सिमिलर इज द केस विद मोहनजोदड़ो, आई इट एक्साइट्स मी। अच्छी लगान में जो रोल मुझे करना था, मेरे माइंड में था, वो था अर्जुन, जो ब्लैक स्मिथ है। हाँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, अर्जुन तो बहुत ज़्यादा सीन्स हैं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कौन सा रोल करूँ। फिर मेरी निगाहें पड़ी जो लगान आके अनाउंस करता है राजा का आदमी घोड़े पे, तो वो वाला करता हूँ, कुछ 2 ही लाइन है, मैं अच्छी तरीके से कर पाऊंगा, निकल जाऊंगा। फिर मैंने देखा कि नहीं, उसकी इंटेंसिटी कुछ अलग ही है एंड वो सीन इतना इम्पोर्टेंट है कि उसमें अगर मैं आ गया तो शायद डिस्ट्रैक्शन हो जाऊंगा, कि लोगों को अगर लगा कि ये तो फिल्म का डायरेक्टर है तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। मैंने वो भी छोड़ दिया। तो ऐसे कॉन्स्टेंट अट्रैक्शंस होते हैं रोल करने के, लेकिन टिल नाउ आई हैवंट, मे बी, आई डोंट नो, मे बी इन द फ्यूचर आई विल। मुझे मेरी हर फिल्म एक माइलस्टोन है मेरी लाइफ की, तो चाहे वो पहला नशा हो या बाजी हो या लगान। अब जितनी बार बात करेंगे मुझे मज़ा आएगा और उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें बता भी सकूँगा। आई 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 लाइक
रिविजिटिंग द मूवीज दैट आई मेड. आई समथिंग थिंक यहाँ मुझे अपस्टेट आई वुड से सुनीता फर्स्ट, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर श्लेषा, दे इमीजिएटली माय बोथ माय सन्स नाउ दे इमीजिएटली स्ट्रिप मी ऑफ ऑल इल्यूजन्स. मुझे तुरंत बता देते हैं क्या गलत है और क्या नहीं रहना चाहिए, अनअशेमेडली. बट वो बहुत ज़रूरी भी है और मुझे अच्छा लगता है वो, बिकॉज यू एबल टू करेक्ट योर सेल्फ. नहीं तो कभी कभी हम वाह वाह में खो जाते हैं. तो आई थिंक माई फैमिली इंडिविजुअल सीन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफ़ी बार जो स्क्रिप्ट्स, इंटीमेशन स्क्रिप्ट्स होती हैं जो मैंने लिखी हैं, जो कंप्लीट स्क्रिप्ट्स लिख के रेडी हो गई हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ी हैं, उन्होंने कहा कि ये मत बनाओ बिकॉज वी डोंट लाइक द स्क्रिप्ट. और जो बनी है वो सब उन्होंने अप्रूव की हुई है. तो इस किस्म का एक ओवरऑल ओवरव्यू इन्वॉल्वमेंट है फैमिली में. आई थिंक सबसे मुश्किल मौजूदारों में वही है कि ये दुनिया कैसे क्रिएट करनी है, बिकॉज ये एक ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और सबकी इमेजिनेशन में जो एक एक मौजूदारों बसा हुआ है वो खरा उतरना बहुत ज़रूरी है. तो कैसे लोग थे, इनका बर्ताव क्या था, एक दूसरे से रिश्ता क्या था, क्या किस किस धर्म में, किस भगवान में मानते थे, क्या इनके क्या भगवान थे इनके, ये जो सारी चीज़ें थी बहुत मुश्किल थी क्रिएट करने के लिए.